ये वही पर है, वही 12 घंटा काम करता है, 20,000 रुपया कमाता है, पर वो दूसरी मशीन को छोड़ करके यहाँ चला आया, किसी मशीन का काम करने नहीं जाता। इसने चैलेंज दिया था, इसने चैलेंज दिया था, मैंने चेंज करके दिखा दिया। आप लोग कितने लोग चेंज करने को तैयार हो अपने आपको? यार चेंज करने को हो सकता है, हो सकता है आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार बोलता होगा यार कुछ नहीं होता है, बकवास है, बेकार है, तू फालतू का 2 रुपया टिकट लगा करके गया था, आज से कुछ नहीं होता है, सोच के देखो। तो दोस्तों ये मेरी शुरुआत रही, यहाँ से मैं निकला था और लुधियाना आया था। लुधियाना आने के बाद वही काम मैं करने लग गया जो सब करते हैं, सिलाई कटाई ओवरलॉक फोल्डिंग चेकिंग पैकिंग, वही काम करने लग गया। और ये देखिए, ये मैं फोल्डिंग करता हुआ मशीन के सामने मैं खड़ा हूँ। आज आप जहाँ बैठ करके सुन रहे हो मेरी बात को, वो मेरा बीता हुआ कल है। आज हम माइक लेकर प्रमोद मौर्य बोल रहा है, ये आपका आने वाला कल है, इसलिए आपको ये आपका आने वाला कल है। जहाँ मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अच्छा नहीं जबरदस्त वाली में सोनी चाहिए ना, एक्सेप्टिव वाली मिलना चाहते हैं, तो मैं ज्यादा टाइम ले लूंगा, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और उनकी वजह से, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। आप लोगों की जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर प्रमोद मौर्य जी, जबरदस्त क्लैपिंग, वेलकम मोस्ट वेलकम प्रमोद मौर्य जी, जबरदस्त वाली क्लैपिंग हो जाए दोस्तों, जबरदस्त वाली, जबरदस्त वाली क्लैपिंग, जबरदस्ती वाली नहीं, जबरदस्ती काम करोगे तो ना धक्के मार के ही बोलती आएगी, जबरदस्त वाली क्लैपिंग होनी चाहिए, जबरदस्त वाली क्लैपिंग। तो आप लोग क्या चाहते हो, ताली बजाना चाहते हो क्या? आप कुछ नहीं कर रहे हो, समझता है, समझने वाले के लिए सारा काफी होता है ना, समझने वाले जबरदस्त वाली क्लैपिंग बजाना दोस्तों, एक बार जबरदस्त जबरदस्त सर्जिकल के सम्मान में एक बार जबरदस्त ताली हो जाए। यही हमारे ग्रेट गुरु है, हमारी जिंदगी में रोशनी देने वाले हैं, तो मैं यही कहूंगा, कहते हैं देखने में छोटे लगे और भाव करे गंभीर, भाव तो गंभीर ही होता है, नहीं हमारे जैसे इंसान को अगर ठोक ठाक के ऐसा बना सकते हैं तो आप लोगों के लिए तो कोई भारी बात ही नहीं हो सकती है। तो आप लोगों की जबरदस्त ट्रैफिक के और सम्मान के बीच में मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम सर। सभी को नमस्कार, जय आशियम, यार है, यार है, बिल्कुल। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, अपने पूरी एक्शन टीम का धन्यवाद करता हूँ, उससे पहले मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ जिनके वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो मेरे गुरु हैं, इस सिस्टम में लाने वाले, सिस्टम में लाने वाले, सिस्टम की जानकारी देने वाले मेरे ग्रेट अप्लाई मिस्टर रामेश्वर यादव सर हैं, और जिन्होंने मुझे फील्ड में दौड़ा करके काम करना सिखाया, रॉयल्टी अचीवर बनाया, टीम बनाना सिखाया, बिजनेस करना सिखाया, यहाँ तक पहुँचाया, वो हम सब के ग्रेट गुरु, ग्रेट लीडर, सरदार पर्सनालिटी मिस्टर अजय प्रसाद सर हैं। एक बार सरदार तालियां सर जी के लिए मैं कहता हूँ, मेरे सभी गुरु के लिए जबरदस्त वाली ताली चाहता हूँ, थैंक यू, थैंक यू। और आप सभी का, जो भी मेरी टीम है, जो मेरे लोग हैं, जो मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, एक संकीर्ण परिवार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कुछ भी कहने से पहले आपका थैंक्स करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है प्रमोद मौर्य, जैसे मैं पहले बताया, मेरा नाम प्रमोद मौर्य, रहने वाला यूपी आजमगढ़, लुधियाना शहर में 15 साल से रहता हूँ। जब लुधियाना शहर में मैं आया था 2008 में, उस समय कि मैं अगर आप लोगों को बात बताऊँ, जो सब करते हैं वही मैं भी कर रहा था। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, 5 मिनट में मैं अपनी बात बताने वाला हूँ, मेरी छोटी सी 5 मिनट की कहानी से आपके जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये जो इंसान आज स्टेज से बोल रहा है, जिसको 5 लोग भी सुनने को तैयार नहीं थे, उसको आप 500 लोग बैठ करके सुन रहे हैं। ये जो इंसान बोल रहा है, इसे सिर्फ यहाँ तक पहुँचाने में क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कौन सी कठिनाइयां आई, कौन से रास्ते से कैसे निकला, वो सारी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। और मेरी बातों को सुनने के बाद आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बात समझ आ रही है? अगर प्रमोद मौर्य कर सकता है तो बैठा हुआ हर इंसान कर सकता है। अब तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों से बात यह कहना चाहता हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अभागा नहीं है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, पहली बार आए हैं, कोई भी व्यक्ति अभागा नहीं है। फर्क बस इतना है कि अभी अंदर से जागा नहीं है। जिस दिन जाग जाओगे, उस दिन आसमान छू के दिखा दोगे। अंदर से जागना होगा, बाहर से जागने को जागना नहीं बोलते, अंदर से जाग जाओ। मैं अंदर से जागा और यहां तक पहुंच गया। आप लोग के हाथ में टिकट होगा, सबके हाथ में टिकट है, टिकट
इस टिकट की बहुत बड़ी कीमत है। इस तरह के प्रोग्राम में मैं जब गया था तो मुझे 200 रुपए का चूना लगाया गया था गेट पर। आप लोगों को लगाया गया क्या? लगा? सबको लगा? चलिए, मुझे हाथ में टिकट लगाया गया 200 रुपए का, और वो टिकट लेकर के मैं अंदर जब एंट्री किया, अंदर जब मैं बैठा, अंदर बैठने के बाद इस तरह से एक इंसान, एक लीडर इस स्टेज से बोल रहा था और लोगों को बता रहा था। क्या बता रहा सुनना चाहते हैं? क्या बोला सुनना चाहते हैं? वो लीडर एक बात बोला था, वो बात मैं आज तक अपने जहन में रखा हूँ, अपने दिल में रखा हूँ। वो बात जो बोला था, उसने बोला था कि आज मैं यहाँ पर बैठ करके सुन रहा हूँ, वही बात मैं बोलने जा रहा हूँ। आज आप जहाँ बैठ करके सुन रहे हो मेरी बात को, वो मेरा बीता हुआ कल है। आज हम माइक लेकर प्रमोद मौर्य बोल रहा है, ये आपका आने वाला कल है, इसलिए आप ये आपका आने वाला कल है, जहाँ बैठे हो मेरा बीता हुआ कल। इसी तरह के प्रोग्राम में जाने का मौका मिला था गुरु नानक देव भवन में, और वहां से डिसीजन लेकर आया था, वहां से कागज लेकर के आया था। जब मैंने शुरुआत किया है, आप देख सकते हैं ये मेरी शुरुआत है। जब मैं गांव से चल करके आया था, और गांव से चल कर आया, इधर देखिए मैं बैठा हूँ, ये मेरा बड़ा वाला लड़का है प्रियांशु मौर्य, इधर मैं बैठा हूँ। ये मेरा छोटा भाई जो मुंबई में रहता है, ये मेरे भतीजे है, पीछे मेरा भांजा खड़ा है टिकट लेकर के, नकली नोट लेकर के, वो 1000 रुपए की नोट का सपना देख रहा था। तो दोस्तों ये मेरी शुरुआत रही, यहाँ से मैं निकला था और लुधियाना आया था। लुधियाना आने के बाद वही काम मैं करने लग गया जो सब करते हैं, सिलाई कटाई ओवरलॉक फोल्डिंग चेकिंग पैकिंग, वही काम करने लग गया। और ये देखिए, ये मैं फोल्डिंग करता हुआ ये मशीन के सामने मैं खड़ा हूँ, और ये व्यक्ति मेरे सामने बैठा था, जस्ट मेरे बगल में बैठा हुआ था। इसने क्या बोला था बता दूं? इसने क्या बोला बता दूं? बहुत तगड़ी गाली दिया था, बता दूं? बता दूं? ये इंसान मुझे बोला था, ये भी रहने वाला मेरे घर से, ये बोलता है कि तू भी यही रहेगा मैं भी यही रहूंगा, तू भी यही रहेगा मैं भी यही रहूंगा, आपसियम फापसियम कुछ नहीं होता, आने वाले टाइम में देख लेना, तू यही रहेगा मैं यही रहूंगा। और आने वाले टाइम में बात यह हुआ कि आज भी ये वहीं पर है, वही 12 घंटा काम करता है, 20,000 रुपया कमाता है, प्रमोद उसी मशीन को छोड़ करके यहाँ चला आया, और प्रमोद महीनों का 50,000 रुपया कमाता है, किसी फैक्ट्री में काम करने नहीं जाता। इसने चैलेंज दिया था, इसने चैलेंज दिया था, मैंने चेंज करके दिखा दिया। आप लोग कितने लोग चेंज करने को तैयार हो? अपने आपको तैयार हो चेंज करने को? हो सकता है, हो सकता है आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार बोलता होगा यार कुछ नहीं होता है, बकवास है, बेकार है, तू फालतू का 200 रुपया टिकट लगा करके गया था, आरसीएम फारसीएम कुछ नहीं होता है। सोच के देखो, अगर उस दिन मैं डिसीजन नहीं लिया होता कि आरसीएम को तन मन से करूंगा, तो क्या आज यहाँ स्टेज पर मैं खड़ा नजर आता? हाँ जी, यहाँ तक मैं पहुंच पाता अगर इसकी बात को नहीं सुनता और आगे नहीं बढ़ने का प्रयास करता तो? अगर मैं रुक जाता यहाँ पहुंचता क्या? नहीं ना। आप में से कितने लोग नहीं रुकने वाले हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे, जो मेरे साथ चलने वाले लोग हैं, जिनके पास जिगर है, दिल है, सफलता चाहिए, कामयाबी चाहिए, एक बार शानदार वाली ताली अपने लिए बजाइए, शानदार वाली ताली अपने लिए बजाइए दोस्तों, उसके बाद की जर्नी चलती है। ये देखिए, पहला सेलिब्रेशन ये सुभाष नगर में हुआ था, राकेश सर के पास में, जब मेरा स्टार्टर का पिन आया था। क्या चीज का? स्टार्टर का पिन आया था। उस समय मेरे अप्लाई मेरे साथ में खड़े हैं, और आज भी मेरे अप्लाई मेरे साथ में खड़े हैं। एक बार रामेश्वर सर के लिए शानदार तालियां मैं चाहता हूँ, जो आज तक कंधे से कंधे मिला के चलते हैं और मुझे हर कदम आगे बढ़ाते हैं। अपने रॉयल्टी बनने के साथ साथ मुझे उन्होंने रॉयल्टी बनाया, अपनी फैक्ट्री छोड़ने के साथ साथ मुझे भी फैक्ट्री छोड़वाया, और ये वही फैक्ट्री थी जिस फैक्ट्री में हम दोनों काम किया करते थे, ये सिलाई किया करते थे, मैं फोल्डिंग किया करता था। उस सैकड़ों लोगों के बीच में ये दो पागल इंसान निकले, जो सैकड़ों लोगों को कुचलते हुए पागलपंती दिखाया, आज सबको करके दिखा दिया, आज महीने के 50,000 की इनकम पर जाते हैं और लाइफ स्टाइल बढ़िया वाली जीते हैं, क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने एक आग लिया, इस तरह के प्रोग्राम में गया, बैठा और सामने वाले की बात को सुना, और मैंने अपने अंदर एक सपना को जगाया, उस सपनों के लिए काम करना शुरू किया। यहाँ तक मुझे मिस्टर अजय सर ने पहुंचाया, एक बार अजय सर के लिए शानदार तालियां होनी चाहिए, जो आज तक मेरा हाथ पकड़ कर चलते रहते हैं, हाथ नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आप लोग ईमानदारी से बताना, उस समय मैं आरसीएम को शुरू नहीं करता तो आज क्या करता लुधियाना में? बोलो दो जवाब। अगर मैं आरसीएम करने का डिसीजन नहीं लेता तो आज क्या कर रहा होता? बोलो 12 घंटे मशीन चलाते। बताओ, उनकी सुनना चाहिए जिनको आरसीएम के बारे में कुछ पता नहीं है, या उनकी सुनना चाहिए जो आरसीएम में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? किनकी सुनना चाहिए? जिनकी आगे तेजी से बढ़ रही है आरसीएम में। हाँ जी, जो आगे बढ़ रहे उनकी सुनना चाहिए, जिनको कुछ नहीं आता उनकी सुनना चाहिए, जो हाँ उनकी सुनना चाहिए। भाई साहब मैं एक बात बता दूं, अगर आपके पास में ये फोन है तो फोन आप दे सकते हैं, जिसके पास फोन नहीं हो क्या देगा? क्या देगा वो? कुछ नहीं। हाँ जी,
कुछ नहीं। ये गलती आप मत करना जाकर के, उससे सलाह मत लेना, उससे डिस्कस मत करना जिसको आरसीएम के बारे में जीरो पता नहीं है, कुछ पता नहीं, कभी मीटिंग में नहीं गया है, कभी इसकी जानकारी नहीं लिया है। अगर उससे सलाह लोगे तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? बोलेगा प्रमोद मौर्य बोल रहा था लाल रंग का वो कोट पहना हुआ था, विश्वास होगा क्या? अजी आप सभी लोग मुझे बताओ, आप अपनी आंखों से देख कर जा रहे हो, अपने कानों से सुन कर जा रहे हो, यस नो? यस नो? अपनी आंखों से देखकर कानों से सुनी हुई बात को कोई गलत बोल सकता है क्या? कोई झूठ बोल सकता है क्या? नहीं ना? तो आप सभी लोग इस सिस्टम को आज ही शुरू करें जिनके साथ आप आए हैं, ठीक है? तैयार है कितने लोग? शानदार, एक बार ऊपर हाथ करें जो तैयार है, तैयार है, रेडी? एक बार आपने ये सामान में शानदार कर लिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इतना प्यार से सुनने के लिए। थैंक यू, आने वाले टाइम में आप हमसे आगे बढ़े, हमसे बेहतर बने, यही शुभकामनाएं आपको मैं देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू।